जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का मेडियो क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर हारने का डर, कुछ खोने का डर हमें तोड़ देती हैं और इस हद तक तोड़ देती है कि हम अपनी सफलता और अपनी मंजिल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो हमें अपने मंजिल और अपने सफलता के बारे में लगातार सोचना ही रहना चाहिए, हमें टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें हमेशा बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करनी चाहिए। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे का तलाश करना। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना क्लास शुरू करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं श्वसन की क्रिया, जिसमें कल आपको हम श्वसन की परिभाषा और श्वसन का समीकरण और श्वसन की क्रियाविद के प्रकार आपको बताए थे। आज हम उन्हीं श्वसन की क्रियाविद के एक प्रथम चरण को देखते हैं, जिसे बाह्य श्वसन क्रियाविद कहते हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग होगी दोस्तों, वो होगा बाह्य श्वसन क्रियाविद। आप बनाइएगा हेडिंग बाह्य श्वसन क्रियाविद, बाह्य श्वसन क्रियाविद। यदि हम दोस्तों बात करते हैं बाह्य श्वसन क्रियाविद होता क्या है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे बाहर वायुमंडल से, बाहर वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया दोस्तों बाह्य श्वसन क्रियाविद कहलाता है। बाह्य श्वसन क्रियाविद कहलाता है, बाह्य श्वसन क्रियाविद कहलाता है। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है फेफड़े में, फेफड़े से वह रुधिर में मिलता है, फिर रुधिर से हृदय में, हृदय से धमनी, फिर धमनी से रुधिर के द्वारा कोशिकाओं तक जाता है। तो यही प्रक्रिया दोस्तों बाह्य श्वसन कहलाता है। तो अब हम देखते हैं बाह्य श्वसन क्रिया भी कितने चरणों में होता है। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे डैश बनाकर हम लोग मेन पॉइंट, बाह्य श्वसन की क्रियाविधि निम्न चरणों में होता है। बाह्य श्वसन की क्रियाविधि निम्न चरणों में होता है। डैश करेंगे चरण नंबर एक दोस्तों, इसे कहते हैं श्वाच्छोवास क्रिया में क्या होता है, तो जो आप दोस्तों श्वसन की परिभाषा समझते थे पहले वो वही होता है। एक्चुअल में सांस लेने की क्रिया श्वाच्छोवास कहलाता है, लेकिन हम सांस लेने की क्रिया में क्या करते हैं दोस्तों, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो श्वाच्छोवास की क्रिया और परिभाषा वही बनेगी। इसमें हम लिखेंगे श्वाच्छोवास में दोस्तों ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने दोस्तों, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को स्वच्छोवास कहते हैं, की क्रिया को स्वच्छोवास कहते हैं।
अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि एक बार हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह दो प्रकार का होता है, डेस्क पर लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है डैश। नंबर एक निश्वसन, नंबर एक निश्वसन। इसमें दोस्तों हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं निश्वसन में, और दूसरा होता है निःश्वसन। दूसरा क्या है दोस्तों? निःश्वसन। दोनों एक जैसे हैं, इसमें हा की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो दोस्तों बाह्य श्वसन की क्रियाविधि में हमारा दूसरा चरण होता है गैसीय बिन में फर्स्ट, गैसीय बिन में फर्स्ट। तो दोस्तों हमारा पहला इसमें चरण और दूसरा चरण होता है गैसीय बिन में फर्स्ट। श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन नासा गुहा से होता हुआ, श्वास नली से होता हुआ फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद दोस्तों गैसीय बिन में फर्स्ट की क्रिया होती है, इसमें हम लिखेंगे दोस्तों फेफड़े में उपस्थित ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े में रुक जाना ही गैसीय बिन में फर्स्ट कहलाता है, गैसीय बिन में फर्स्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन फेफड़े में कोशिकाओं में स्टोर रहता है और रुधिर की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर फेफड़े में आता है, और फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से निकलकर उसी कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन रुधिर में मिल जाता है, जिसके कारण इसका तीसरा चरण बनता है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। अगला जो चरण होगा दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ देखेंगे तो फेफड़े में जो ऑक्सीजन था वो रुधिर में मिल गया है, लेकिन किससे मिला है तो ये भी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन में लिखेंगे रुधिर में ऑक्सीजन रुधिर के हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ अस्थायी यौगिक बनाता है, अस्थायी यौगिक बनाता है और फेफड़े से हृदय, हृदय से धमनी और धमनी से लसिका, फिर दोस्तों लसिका से कोशिका में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक आया है शब्द अस्थायी यौगिक, ये अस्थायी यौगिक होता क्या है ये भी लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ
अस्थाई यौगिक जो बनता है वह होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद दोस्तों अब कोशिका के अंदर रुधिर पहुंच गया है, अब यहां गैसीय बिन में थर्ड होता है। इसका चौथा चरण दोस्तों गैसीय बिन में सिकेंड। इसमें क्या होता है ये देखिएगा, यहां देखिए तो फेफड़े में ऑक्सीजन उपस्थित था और रुधिर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में रह गया था और ऑक्सीजन इसमें मिल गया है। अब कोशिका में देखेंगे दोस्तों, तो कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और ऑक्सीजन जा रहा था, लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से निकलकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कोशिका से निकलकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिलकर अस्थायी यौगिक कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है। और रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करता है। तथा रुधिर वाहिनियों से आया ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश करती है। इसमें दोस्तों कोशिका में प्रवेश करती है, तो इस तरह से गैसीय बिन में सिकेंड की क्रिया पूर्ण हो जाती है। एक और क्रिया है दोस्तों, वो भी हम देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं पांचवी क्रिया और बाह्य श्वसन क्रिया विधि का आखिरी चरण है, लास्ट चरण। इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसमें देखेंगे ध्यान देखिए दोस्तों, अस्थाई यौगिक कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बना है। अब इसमें लिखेंगे अस्थाई यौगिक कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन कोशिका से रुधिर वाहिनियों से सिरा से होता हुआ हृदय से फेफड़ा और फेफड़े से शरीर के बाहर
कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया जाता है सांस छोड़कर। एक चीज और लिख लेंगे दोस्तों, सांस छोड़कर मुक्त कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। इस तरह से देखेंगे दोस्तों तो वायुश्वसन की क्रिया विधि में केवल गैसें अर्थात ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है, ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका में दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर वायुमंडल में होता क्या है। तो हमारी जो अगली हेडिंग होगी वह होगी आंतरिक श्वसन। हेडिंग बनाइए दोस्तों आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन क्रियाविधि, आंतरिक श्वसन क्रियाविधि। वायुश्वसन में हमने केवल बाहर से गैसों को अंदर ले गए और अंदर की गैसों को बाहर निकाला, वायुश्वसन की क्रिया में केवल यह होता है। लेकिन हमने श्वसन की क्रिया, श्वसन की परिभाषा पढ़ते हुए यह पढ़ा था कि श्वसन की परिभाषा में, श्वसन की परिभाषा में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन वायुश्वसन की क्रिया में अभी ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण दोस्तों उसे केवल वायुश्वसन ही कहा जाता है अर्थात वास्तविक श्वसन उसे नहीं कहा जाता है, वास्तविक श्वसन आंतरिक श्वसन को ही कहा जाता है। इसमें लिखेंगे चूंकि चूंकि यह श्वसन, चूंकि यह श्वसन शरीर के अंदर कोशिका में संपन्न होती है, कोशिका में संपन्न होती है इसी कारण इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं, इसी कारण इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वास्तविक श्वसन क्यों कहते हैं तो ये भी लिखेंगे पॉइंट बना के, चूंकि इसी क्रियाविधि में ऊर्जा का निर्माण होता है इसलिए इसे वास्तविक श्वसन कहते हैं, वास्तविक श्वसन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वास्तविक श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो यहाँ एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि यह क्रिया मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होती है। अगर हम बात करते हैं वे दो चरण हैं कौन से, तो यहाँ बीच में आप पाइप आ लीजिएगा दोस्तों, जिससे दोनों चरण हमारे यहीं पर आ जाएं। पहला चरण की बात करते हैं तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रिया विधि, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया विधि। इस क्रिया विधि में क्या होता है इसमें लिखेंगे दोस्तों, ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में परिवर्तन ही
ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूविक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, तो पाइरूविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद अगली क्रिया होती है दोस्तों, उस क्रिया को कहते हैं क्रेवस चक्र। यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। अब दोस्तों यहां लिखेंगे पाइरूविक अम्ल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा उसको सरल अणुओं में वियोजित कर देती है, जिस कारण ऊर्जा निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, और ऊर्जा निर्माण की क्रिया ही श्वसन कहलाती है। यहाँ डे सर्कल लिखेंगे दोस्तों, ऊर्जा निर्माण की क्रिया श्वसन कहलाती है। ऊर्जा निर्माण की क्रिया श्वसन कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ देखिए एक बात, आप लोग पाइरूविक अम्ल ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा टूट रही है। इसका मतलब है यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी या ज्यादा होगी तो श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी, नहीं होगी, होगी ना। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों, श्वसन दो प्रकार का हो जाता है। श्वसन के कितने प्रकार हो जाते हैं दोस्तों, दो प्रकार। यहां लिखेंगे श्वसन के दो प्रकार ऑक्सीजन की स्थिति पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है ऑक्सीश्वसन। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप में उपस्थित होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और एक होता है अनाक्सीश्वसन। कौन सा श्वसन दोस्तों? अनाक्सीश्वसन। अगर दोस्तों हम इसमें बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अनुपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा श्वसन की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों एक डायग्राम द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा श्वसन के प्रकार। तो कल हम दोस्तों इसको समझेंगे और इसके प्रकार, श्वसन के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।